नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A52s 5G versus Vivo A7 Legend का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 6.3 इंच जबकि Vivo A7 Legend में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 2.96 इंच जबकि Vivo A7 Legend में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A52s 5G में 0.33 इंच जबकि Vivo A7 Legend में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A52s 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A52s 5G में 189 ग्राम्स जबकि Vivo A7 Legend में 209.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy A52s 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A52s 5G में सुपर AMOLED जबकि Vivo A7 Legend में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 6.5 इंचेस जबकि Vivo A7 Legend में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A52s 5G में 84.94% जबकि Vivo A7 Legend में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A52s 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo A7 Legend में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A52s 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo A7 Legend की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, ऑप्टिकल जूम कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A52s 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo A7 Legend में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Adreno 642L जबकि Vivo A7 Legend में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और Vivo A7 Legend में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Vivo A7 Legend में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Vivo A7 Legend में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy A52s 5G में अप टू 1TB जबकि Vivo A7 Legend में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है।
बैटरी गैलेक्सी A52s 5G में 4500 mAh जबकि Vivo EQ7 Legend में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 3 कलर्स जबकि Vivo EQ7 Legend में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 37,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo EQ7 Legend की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A52s 5G में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo EQ7 Legend की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Galaxy A52s 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A52 है, जो कि 23,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy A72 है, जो कि 34,999 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus 9R है, जो कि 39,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S25 5G है, जो कि 47,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।